अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अली स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल लाइफ विद एनिमल्स में। दोस्तों आज हम शूट कर रहे हैं कल्याण कुंड गाँव बकरा मंडी और काफ़ी बकरे आए हैं। वीडियो शॉर्ट बनाया हूँ मैं, बहुत ही छोटी, जो अच्छे बकरे दिखे हैं वही शूट किया हूँ। और मंडी जो है वीक में 3 दिन लगती है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के दिन। आज थर्सडे की मंडी हम कवर कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो कल्याण कुंड गाँव बकरा मंडी अगर किसी को आना है तो वो गूगल मैप में एड्रेस डाल सकता है, कुंड गाँव बकरा मंडी, उसको एड्रेस मिल जाएगा और आप यहाँ पर आकर ख़रीदी कर सकते हैं। और यहाँ सिंगल डबल सभी सब बकरे मिल जाते हैं, या पूरी पट्टी चाहिए आपको। जैसा कि मेंढो बहुत अच्छे लगे मेरे को, तो मैं ये इनको दिखा रहा हूँ आपको। और ये सब, जैसे ये छोटा मेंढा देख रहे हैं आप, ये 5,000-6,000 से स्टार्ट है, 6,500 से, और इसे बड़ा लेंगे आप 8,000-9,000 तक आ जाएगा बड़ा मेंढा ये। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी को भी आना हो सुबह मॉर्निंग में आ जाए, 9 बजे 10 बजे, और शाम में 5 बजे तक मंडी होती है। तो आइए चलते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आज आप लोगों के लिए मैं अभी पट्टी लगने वाली है, लेकिन उससे जाके पहले ही खुले खुले बकरे दिखा दूँ आपको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काफ़ी बकरे आए हैं, अच्छे बकरे, इसमें अजमेरा और गुजरी बच्चे अच्छे हैं, तो वो दिखाने की कोशिश करूँगा आपको मैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है और अच्छे अच्छे बकरे आए, आप देख सकते हैं। मेंढे वगैरह भी इसमें अच्छे हैं, गुलाबी में अच्छी चीज़ है, कोई पालना चाहता है तो। राजस्थान के मेंढे, ये गुजरी बकरा देखिए, ये भी अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। कलर कॉम्बिनेशन खूबसूरत, हर चीज़ है बच्चे में। और जैसा कि हकीके के लिए अगर किसी को लेना हो तो ये बकरा भी ठीक है, अच्छा बकरा है, बड़ा बकरा है, वज़न आएगा इसका 55-60 kg आएगा आराम से, और चीज़ अच्छी है। अरे ये बच्चा भी पालने के लिए अच्छा है, कलर का देखिए। ये दोनों ही बच्चे मेरे हिसाब से 12-12,000 रुपये के ठीक है, ये बच्चा 11,000 रुपये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी 30 किलो प्लस होगा, 35 किलो आराम से आएगा बच्चा, 35 किलो 38 किलो आ जाएगा, और अच्छी चीज़ है ये मेंढा, अच्छा लगा, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। ये अब सिंधी में, इसमें मिक्स माल है, गुजरी भी अच्छे बच्चे हैं, 2-3 बच्चे बहुत अच्छी क्वालिटी के, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। एक ये बच्चा बहुत अच्छा है कलर कॉम्बिनेशन में, चीज़ बहुत प्यारी है ये भी अगर कोई लेता है ना तो। अब देखिए चीज़ देखिए, कलर कॉम्बिनेशन रुआब हर चीज़ है बकरे में, खूबसूरत बोलेंगे तो खूबसूरत चीज़ है ये। और ये भी 12,000 तक ठीक है, वज़न इसका भी 35 kg प्लस ही आएगा, कम नहीं आएगा। और एक बच्चा इसमें और है, बहुत खूबसूरत है वो भी, और अच्छी साइज़ में बनने वाला बच्चा जाएगा। ये सब डबल हड्डी के बच्चे जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डबल हड्डी का बच्चा है और बहुत क्वालिटी वाला है माशाल्लाह। कलर पैटर्न देखिए इसका दोनों तरफ से। और एक ये गुजरी में भी उसका जोड़ी जैसा ही है, लेकिन ये भी, ये उससे वजन है, ये 45 kg आराम से आएगा, 45 kg, क्योंकि भरा हुआ बकरा देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा भरा हुआ बकरा है, एकदम डबल हड्डी में बोलते हैं ना, तो वैसे बच्चे हैं। डबल हड्डी मैं लोगों को बता दूँ कि बहुत लोगों को शायद मालूम ना हो, जैसे ये कमर की साइज़ को डबल हड्डी बोला जाता है, पतली कमर के बच्चे होते हैं, ये चौड़ी कमर के बच्चे होते हैं, जो चौड़ी कमर के बच्चे होते हैं उनको डबल हड्डी बोला जाता है, जिन्हें लोग आमतौर से ऐसा बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी पालने के लिए, ये भी 13-14,000 तक ठीक है, अच्छी चीज़ है कोई अगर लेकर पालता है तो। और ये छोटा बच्चा देखिए, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, और लेंथ बहुत है, ये एज में इसको लेंथ बहुत है, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा माशाल्लाह, देखिए आप। ये कोई लेगा तो 5-6,000 रुपये बहुत हो गया, लेकिन चीज़ बहुत प्यारी है। अभी पानी पिला रहे हैं यहाँ मंडी में बकरों को, सब पानी पी रहे हैं अभी। और एक ये गुजरी में छोटा बच्चा, ये अगर कोई लेना चाहता है तो 4,000 रुपये बहुत हो गया, लेकिन चीज़ खूबसूरत है, अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है बच्चे का। और एक ये बड़ा गुजरी है देखिए, एक ये बच्चा भी देखिए, ये भी डबल हड्डी में जो बोलते हैं, मैं बता रहा था आपको, ये बच्चा हो गया, ये बच्चा ठीक है, ये बच्चा ज़्यादा अच्छा है, मक्की चीना में तो नहीं है लेकिन वो चीज़ का लुक दे रहा है, तो मैं ये बच्चे की तारीफ़ कर रहा था, बहुत अच्छी चीज़ है।
कोई अगर लेकर पालना चाहता है ना तो बहुत अच्छा आगे जाके इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, अच्छा बनेगा ये, लेंथ हाइट वेट हर चीज़ लेगा बच्चा इंशाल्लाह, क्योंकि चीज़ है वो मुंडा गुजरी बोलेंगे वो चीज़ है। और मैं एक ये बच्चा बता रहा था आपको, ये बच्चा देखिए, बच्चे का फ्रेम ही बता रहा है कि बच्चा क्या वेट लेगा, हाइट इतनी नहीं लेगा लेकिन वेट लेगा, वेट में तो कोई कमी नहीं है कि वेट लेगा वो, अभी वो 35 kg प्लस होगा और एज ज़्यादा नहीं होगी, बहुत होगा 7 महीने से 8 महीने का बच्चा होगा, लेकिन 40 kg के ऊपर ही आएगा मेरे को, हो सकता है कि 35 kg तो है और 40 kg या 42 kg भी आ सकता है, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि बहुत चौड़े में बच्चा है, चौड़ा बोलेंगे ना तो बहुत चौड़ा बच्चा है माशाल्लाह, तो काफ़ी पसंद आया बच्चा। और एक ये कलर में बच्चा है, खूबसूरत है इसलिए दिखा रहा हूँ, बच्चा भी अच्छा है, अच्छा बनेगा भी, ऐसा नहीं है क्योंकि पैर वगैरह भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे हैं और अच्छे चौड़े हड्डी में है, तो बनेगा भी अच्छा, अच्छी चीज़ है पालने के लिए। 8-9 हज़ार रुपये बहुत हो गया, 9 हज़ार भी नहीं, 8 हज़ार रुपये बहुत हो गया, बॉडी वेट 25 kg आराम से आ जाएगा, अच्छी चीज़ है, भरा हुआ बच्चा है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूं और रेगुलर मंडी की अपडेट आपको देता रहूं। कि अभी हम आफ्ताब भाई के अक्कड़ पे आए हैं, आफ्ताब भाई की तबीयत बहुत सही नहीं है लेकिन बकरे आज काफ़ी बड़े बड़े मालवा के आए हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि आप देख सकते हैं, आगे भी है अच्छे अच्छे बकरे हैं, तो पूरा दिखाऊँगा मैं कि कौन कौन से बकरे आए हैं, क्या क्वालिटी में है। जैसे कि पहला बकरा है कि ये देखिए मालवा में है, ठीक बच्चा है, ओके बच्चा है, मतलब लेके अगर कोई पालेगा तो अच्छा वेट गेन ले लेगा कुर्बानी तक, और अच्छी बात ये है कि कुर्बानी तक रेडी भी हो जाएगा दांत, मतलब कर देगा, अभी अदंत है और बॉडी वेट 45 kg आराम से आएगा तो दांत तो कर देगा, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, और अच्छी कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है इसका और चेहरा भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है और एग्रेसिव है, खुला हुआ देखा था मैं, काफ़ी एग्रेसिव था और अच्छा बच्चा था, 12-13 हज़ार में लेने लायक चीज़ है, अच्छी चीज़ है। और जैसे कि ब्लैक के शौकीन अलग ही होते हैं जो ब्लैक बकरा पसंद करते हैं, उसमें एक ये बकरा देखिए आप क्या जंट दिख रहा है, और बहुत अच्छी चीज़ है सीना वगैरह और रुआब, ये भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, प्योर मालवा भी बोलेंगे इसको, और झाड़ पट्टी वगैरह देख सकते हैं आप, अच्छी चीज़ है, ये भी 11 हज़ार तक ठीक है। और एक ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक लगा, अच्छा लगा मालवा में, मालवा कोटा क्रॉस एक्चुअल में देखा जाए तो, सिंग वगैरह का शेप देख सकते हैं आप खुले कान में, ये भी कुर्बानी, जितने बकरे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको पट्टी में सब दांत कर देंगे कुर्बानी तक, तो अगर कोई लेकर पालना चाहता है तो ऐसे बकरे आज बहुत आए हैं मंडी में जो दांत कर देंगे और कुर्बानी में काम में आ जाएंगे और सब दो दांत के अच्छे बच्चे बनेंगे। तो ये भी 12 हज़ार तक ठीक है, बच्चा अच्छा है, 11 से 12 हज़ार। पीछे कुछ अभी मैं आगे भी बकरे दिखाऊंगा, पीछे कुछ अपना अजमेरा के 2-3 बच्चे थे वो भी ठीक है, लेकिन ये दांत करना मुश्किल है। एक ये बकरी है अच्छी है, वो अगर किसी को ब्रीडिंग के लिए चाहिए तो 8-9 हज़ार रुपये में आ जाएगी, अच्छी चीज़ है। ये वाइट में कुछ बकरे मालवा के हैं और ये बकरा दिखाऊंगा, ये बहुत झंड बकरा है ये माशाल्लाह, और ये वाइट में बकरा देखिए मालवा, प्योर मालवा है, देवास की जो मंडी होती है वहाँ के बकरे जो बोलेंगे ये वो बकरा है, और अच्छी चीज़ है, कोई अगर लेकर पालना खस्सी कर देगा तो अच्छा वेट गेन ले लेगा और बहुत ही अच्छा बच्चा है, और फुल एक्टिव आप देख सकते हैं वीडियो में कि कैसा एक्टिव बच्चा है। तो इसका ही वेट 40 kg प्लस आएगा, 45 kg आराम से आ जाएगा और दांत कर देगा 12-13 हज़ार रुपये, ठीक है। बच्चे की हाइट वगैरह ही काफ़ी अच्छी है, और ये बकरियाँ है सब, एक ये बकरी है जो अभी अदंत है, दांत नहीं है इसको, लेकिन प्योर मालवा की बकरी जो बोलेंगे वो चीज़ है। मंडी में थोड़ा माल रफ दिखता है, लेके जाएंगे आप खिलाए पिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये सब छोटे बच्चे हैं, ये भी एक पट है वाइट में, अच्छी है, ये भी 8-9 हज़ार तक आ जाएगी आपको मालवा की। एक दिखाता हूँ बफ वाला बच्चा जो छूट गया था मेरे से, ये बच्चा है जी, कोई बफ वाले बच्चे के शौकीन होते हैं जो बाल होते हैं पूरा ऊपर से नीचे, पैर वगैरह देखिए पूरा बाल है, और अच्छी चीज़ है। ये भी आएगा करीबन आपको 9 हज़ार से 10 हज़ार में लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा काफ़ी वज़न आएगा, 35 kg के ऊपर आ सकता है या 35 kg तो आएगा ही आएगा, कंफर्म 35 kg आ जाएगा। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी अच्छी आई है, और मंडी आज शायद लॉकडाउन थोड़ा सा मसला चल रहा है तो हो सकता है उसके लिए मंडी थोड़ा सा कम लगी है, बच्चे कम आए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आए हैं जो अच्छे हैं। देखिए ये बच्चा मैं बोल रहा था आपको, काफ़ी रुआब वाला बच्चा है, और बहुत रुआब है बच्चे में, जब ये आप इसको अकेले देखोगे
तो चीज़ समझ में आई कि राउंड फेस में अच्छी चीज़ है, खूबसूरत चीज़। और ये पट्टी में आप देख सकते हैं ज़्यादातर बकरे जो आप देखेंगे जो रेडी हो जाएंगे कुर्बानी पे। और इसमें कुछ बकरियाँ भी हैं, ये बकरी है कोटा क्रॉस में है मालवा, तो इसमें काफ़ी बकरियाँ हैं और बकरे भी हैं जो काम आ जाएंगे कुर्बानी तक। ये बच्चा भी खस्सी में है, अच्छी चीज़ है। बाजू वाला बच्चा भी बहुत बनने वाला है, डबल हड्डी का पुट्ठा वगैरह देख सकते हैं आप। तो ये सब बच्चों के पुट्ठे देख सकते, एकदम भरे हुए बच्चे। ये सब पट्टी जो आएगी ये ज़्यादा ही आएगी, जितने बकरे मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये बकरी से स्टार्ट करके जितने बकरे, ये सब 50 kg प्लस आएंगे आराम से। तो वीडियो आज मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगा, जितने अच्छे बकरे दिखेंगे एक मंडी में। आप ये देखिए, ये पूरी मंडी है जैसा कि आप देख सकते हैं। एक ये बच्चा खूबसूरत लगा मेरे को, बहुत खूबसूरत बच्चा है। मक्का छीना लुक दे रहा है लेकिन है नहीं, और काफ़ी अच्छी चीज़ है। कितने का आएगा ये कितने का आएगा? 7,000 रुपया बोल रहे हैं भाई, लेकिन है चीज़ 6,500 तक लेने लायक है। 7,000 रुपया बोल रहे हैं लेकिन गलत नहीं मांग रहे उसमें, वो तो कीमत बोलेगा। आपका काम है कि कम करा के जितना ले सकते हैं, 6,500 तक ठीक है। अच्छी चीज़ है, खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह, चेहरा वगैरह दिखा रहा था करीब से, अच्छी लगी चीज़। और ये पूरी मंडी है आज की, कुछ सिंधी के बच्चे हैं, सिंधी के भी अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं खूबसूरत, लेकिन ढूंढ के निकालना पड़ता है उसको। अभी मंडी लग रही है और काफ़ी बच्चे लग चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें। एक यहाँ पर ये मेंढा पसंद आया था, फुल वाइट में था इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। फुल वाइट जो बोलते हैं ना गुलाबी, वो बच्चा है। छोटे छोटे बच्चे हैं ये सब और काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी कितने बकरे लगना बाकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, सब अभी अखड़ पे अभी लगे नहीं हैं, कुछ लग चुके हैं जैसे यहाँ पे और कुछ अभी लगना बाकी है। इसमें सोजत के बकरे आ जाते हैं कभी कभी अच्छे। तो आज मैं सोचा आप लोगों को पूरी मंडी घुमा के दिखाऊँ, क्योंकि बकरे कम आए हैं और बकरे ज़्यादा आते हैं तो मंडी में घूमना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बकरे तो आज कम आए हैं मंडी में, सेंसर को उम्मीद है कि बहुत बकरे आएंगे। तो अच्छे बकरे आए हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन पलतू वालों के लिए आज मंडी नहीं है, आज कट्टू वालों के लिए ही है, पलतू वालों के लिए नहीं है मंडी। तो मैं आज आपको पूरी मंडी कवर करके ऐसे घुमा रहा हूँ कि आप देखें कि मंडी कैसी होती है, कहाँ पे कौन से बकरे आते हैं। तो वीडियो का हम यहीं पर एंड करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।